ये आपके सामने रखा हुआ है एक QTS 2.1 सिस्टम जो कि मैंने खुद डिजाइन किया है और जो क्वालिटी निकल के आ रही है इसमें से वो एकदम माइंड ब्लोइंग आ रही है, मतलब फील है। तो ये हमारा लेफ्ट स्पीकर है, आप देख सकते हो। ओके, ये देखिए, देख रहे हो गाइस, थ्रो देखो, थ्रो देखो। तो बेस जो मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना साउंड प्रूफिंग के लिए मैंने कुछ कॉटन यूज की है। सो गाइस, ये अपनी वीडियो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और क्यों होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जिसने लास्ट वीडियो मेरी देखी है जिसमें मैंने JBL के सबवूफर, आईमा के स्पीकर्स और ट्विटर दिखाए थे, पावर सप्लाईज दिखाई थी, तो मैंने उसमें बोला था कि मैं आपको एक सिस्टम बना के दिखाने वाला हूँ 2.1, जिनको मैंने बहुत ही तरीके से डिजाइन किया है। तो ये स्पीकर है आईमा के, ये JBL का सबवूफर है 35 वाट का, ये आईमा का स्पीकर है 25 वाट का, 8 ohms में दोनों है। तो मैंने जो स्पीकर बॉक्स बनाए हैं उनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, उसके बाद वो 4 ohm हो गए हैं, ठीक है। तो 4 ohm का प्रॉपर सिस्टम है 2.1, बहुत अच्छा लुक है, मतलब मजा आ जाएगा आपको साउंड सुनने के बाद। आप भी चाहोगे कि भाई मैं भी इनको बाय करूं और अपने पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो बाय करने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, कैटलॉग वगैरह में आपको प्राइजेस वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, देखते हैं वो सिस्टम कौन सा है और टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला है। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले तो बॉक्सेस दिखा देता हूँ आपको, मैंने बॉक्सेस किस तरीके से बनवाए हैं, ठीक है, मतलब फील है। तो ये हमारा लेफ्ट स्पीकर है, आप देख सकते हो। ओके, तो मैंने टर्मिनल्स भी लगाए हैं पीछे, प्रॉपर सील्ड किया है, टेपिंग भी किया है, हर एक चीज एकदम सील तरीके से है। कहीं से भी जो हमारा बेस है, एयर है, वो कहीं से भी लीक नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एयर पासिंग होल भी दिया है फ्रंट में, ठीक है, देख सकते हो इस। और नीचे बफर्स भी लगाए हैं, ये बफर्स हैं इसके। और यहाँ पे हमारे वो ट्विटर है, डोम ट्विटर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, अभी भी दिखाऊंगा मैं। तो लेफ्ट एंड राइट स्पीकर कुछ इस तरीके के आपको दिखेंगे। और जो हमारा बेस है, इस बेस तो कसम से भाई, बेस ने मतलब कंप्लीट कर दिया है सिस्टम को, क्योंकि बेस के बिना इसमें फील नहीं आ रहा था। तो बेस जो मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना बेस का कैबिनेट है, बॉक्स है, ठीक है, ये देखिए, ये यही स्पीकर है, देख सकते हो, सेम स्पीकर मैंने इसमें लगाए हैं, बफर्स वगैरह इसमें भी लगाए हैं, पीछे टर्मिनल्स भी लगाए हैं, 8 स्क्रू लगाए हैं मैंने, और एकदम सील्ड ये बॉक्सेस है, कहीं से भी एयर पास नहीं होगी। और इसका जो एयर पासिंग होल है वो मैंने यहाँ पे दिया है, ओके, राइट साइड में। और बहुत बढ़िया बेस आती है भाई, मजा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्वालिटी सुन रहे हैं, मतलब क्वालिटी तो है एक्चुअल है, वो आपको पता लगेगी वीडियो में। और चलते हैं अपनी टेबल पे, क्योंकि टेस्टिंग बहुत सही होने वाली है और वीडियो पूरी एंड तक देखना, मजे आने वाला है। सो लेट्स गो। ये आपके सामने रखा हुआ है एक QTS 2.1 सिस्टम जो कि मैंने खुद डिजाइन किया है और जो क्वालिटी निकल के आ रही है इसमें से वो एकदम माइंड ब्लोइंग आ रही है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी मुझे। तो जो हमारा बेस है ये हॉरिजॉन्टली मैंने बनवाया है और ये वर्टिकली बनवाया है, दोनों कॉलम्स, ठीक है। सो गाइस, मैं बता दूं, ये 70 वाट का बेस है, क्योंकि 35 वाट के मैंने इसमें सबवूफर लगाए हैं JBL के, ये देख सकते हो। 11 mm की इसकी मैग्नेट थिकनेस है और 2 इंच की इसके मैग्नेट का साइज है, ठीक है। पीछे लिखा हुआ है 8 ohm 35 वाट का ये सबवूफर है। और जो क्वालिटी है वो अभी आपको सुन के पता लगेगी, पहले मैं डिटेलिंग बता देता हूँ। ये जो फोम यहाँ पे लगा हुआ है, फोम वाली टेप, इससे क्या होता है, ये सील्ड हो जाएगा एकदम, मैं अभी दिखाऊंगा, मैंने एकदम सील्ड कर रखा है। इसकी हेल्प से जो साउंड प्रूफिंग हुई है और भी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि बेस जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिएगा इस क्वालिटी, ठीक है। 1 इंच की इसमें वॉइस कॉइल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत अच्छा रोल इसने निभाया है, ये जो टेप है इसमें फोम वाली। उसके बाद गाइस, मैं स्पीकर दिखाना चाहूँगा। ये स्पीकर है आईमा के 25 वॉट 8 ओम के स्पीकर से, फुल रेंज स्पीकर है, 1 इंच की वॉइस कॉइल इसमें लगी हुई है। और इसकी जो कैप है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सेफ है, अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, ठीक है। कुछ स्पीकर्स होते हैं वो दबा ही रह जाता है भाई कैप, पर इसमें ऐसा सीन नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो इसमें ऐसा सीन आपको नहीं मिलेगा। डीप चेसी है, देख सकते हो, बेस भी अच्छा है, मिड भी अच्छी है, हाइस भी अच्छी है इस स्पीकर की। ओके अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्विटर्स जो कि मैंने इस सिस्टम में लगाए हैं। ट्विटर भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको, डोम ट्विटर्स जो कि बहुत पावरफुल स्टूडियो मॉनिटर में ऐड होते हैं, पर मैंने इस सिस्टम में ऐड कर रखे हैं जो कि मैंने ये बनाया है। ये इसकी कुछ पैकेजिंग थी। और गाइस ये वो ट्विटर है जो कि मैंने इस सिस्टम में लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस 10 वॉट के ये ट्विटर है और बहुत अच्छी हाइस ये देते हैं हमें। जो इसका थ्रो है हाई फ्रिक्वेंसी का बहुत ही पावरफुल है, लॉन्ग थ्रो है बहुत ही ज़्यादा। वोकल भी इसमें से बहुत क्रिस्पी आती है, बीट्स भी एकदम क्रिस्पी आती है। और जो झनकार बोलते हैं जिसको, झनकार इसमें से एकदम माइंड ब्लोइंग आती है। अपना 100% देता है ये ट्विटर, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी को लेके इस ट्विटर में। तो इसको भी आप बाय कर सकते हो, कैटलॉग में आपको लिंक मिलेगा हर एक चीज़ का। ओके गाइस अपने पास अवेलेबल है ट्विटर अच्छे खासे स्टॉक में, तो इसको भी आप बाय कर सकते हो। 10 वॉट का ट्विटर था, देख सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ पे क्या क्या मैंने प्लेस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैंने स्पीकर प्लेस किया। और गाइस स्पीकर को सील्ड करने के लिए, मतलब चारों तरफ से, जैसे ये फोम वाली टेप है, ठीक है, मैंने मार्केट से बाय किया है। उसके बाद इसको एकदम सील्ड किया है। मैं वो टेप दिखाता हूँ। ये वो टेप है जो मैंने मार्केट से ली थी। ये अप्रॉक्स मेरे को 200 रुपीज़ की पड़ी थी। ये टेप डबल साइडेड टेप है और ये लकड़ी पे, प्लास्टिक पे बहुत ही इजीली पेस्ट हो जाती है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही टाइटली पेस्ट हो जाती है। और यही मैंने अपने आईमा के स्पीकर में लगाए हैं चारों साइड में, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये टेप है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने स्क्रू लगाए हैं, बहुत नॉर्मल लगाए हैं। तो गाइस मैंने नीचे बफर्स भी लगवाए हैं, ये टर्मिनल्स लगाए हैं, इसको भी सील्ड किया है पीछे से, ये बाहर आ जाता है पूरा, ठीक है। और ट्विटर की गाइस जो क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है, देख सकते हो। और ये यही ट्विटर है जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, ठीक है, जिसका स्टॉक अपने पास आ चुका है। पीछे से लुक दोनों का लगभग सेम ही है, साइज सेम है और हर एक चीज़ एकदम सेम है। लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे इसका। आई होप आपको ये पसंद आया होगा इसका लुक। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ऐसी और वीडियोस आएगी गाइस। जेन्युइनली अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा प्यार मिला, अगर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाती है, टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का इस वीडियो में, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटी है। और गाइस मैंने इनके जैसे कि बताया पैरेलल में कनेक्शन किए हैं, जिससे कि 8 ओम के स्पीकर 4 ओम के हो गए हैं और 8 ओम के सबवूफर 4 ओम के हो गए हैं, ठीक है। जिसको सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन नहीं पता है, आपको एक पोस्टर दिख जाएगा सामने। आप भी इस तरीके से कनेक्शन करके किसी भी स्पीकर या सबवूफर की जो ओम है उसको कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर इसी को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे 8 ओम प्लस 8 ओम, तो ये 16 ओम हो जाएगा। ये अपनी बेस है, नीचे बफर लगाए हैं टोटल 4, पीछे सेम टर्मिनल्स लगाए हैं मैंने, ओके। टोटल 8 स्क्रू लगाए हैं। इसके पीछे भी मैंने टेपिंग किया है, ये जो पैनल पूरा खुल जाता है, बाहर आ जाता है ये पैनल। और सामने से देख सकते हो गाइस मैंने इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है जो कि स्पीकर्स में थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ऐसा सिस्टम बनाया चाहिए, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और स्पीकर वगैरह अपने पास मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी हम टेस्टिंग करने वाले हैं इस सिस्टम की, उसके बाद मैं एंड में इसका जो अंदर से डिज़ाइन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है और किस तरीके से मैंने इसको एकदम सील्ड किया है, साउंड प्रूफ किया है सिस्टम को, ठीक है। सो गाइस टेस्टिंग करने के लिए मैं एम्पलीफायर आपको दिखाऊंगा। एक तो TB-21 यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पे एक और ऑप्शन है जिससे ये सिस्टम प्रॉपर आउटपुट देगा अपना, ठीक है। गाइस मैं यही 2 एम्पलीफायर सजेस्ट करूँगा अगर आपको एक अच्छा सिस्टम बनाना है मेरी तरह। एक तो ये TP3116D2, अगर मैं चाहता तो इस एम्पलीफायर को इसके अंदर भी फिट करवा सकता था, पर मेरे को ऐसा नहीं करना था, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर भी TP3116D2 IC में इनबिल्ड है, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की IC है। अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जो कि बहुत ही पावरफुल ICs बनाती है, ठीक है। दोनों के जो फीचर हैं सेम है, दोनों में 5.1 ब्लूटूथ IC है, दोनों में 5 पोटेंशियोमीटर है। बस एक फीचर इसमें ज़्यादा ऐड हो जाता है, हमें TB-21 में ऑन ऑफ बटन भी मिल जाता है। ये मास्टर वॉल्यूम है, ये इसका मास्टर वॉल्यूम है, ये इसका बेस का, ये बेस की फ्रिक्वेंसी और वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर है। सेम इसमें भी वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए है। और बेस एंड ट्रेवल के लिए भी यहाँ पे दो नॉब दे रखी हैं, जो कि हमारे कॉलम्स की होगी, राइट एंड लेफ्ट चैनल के। ठीक है, कैपेसिटर वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह एकदम अच्छी कैपेसिटी के लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू अपने एम्पलीफायर की पावर सप्लाई के। ठीक है, 5.1 इसमें ब्लूटूथ आईसी मिलेगी, इसमें भी आपको 5.1 मिलेगी, इसमें भी आपको ऑक्स का इनपुट मिलेगा। ठीक है, देख सकते हो इसमें भी ऑक्स है, इसमें भी ऑक्स है। ठीक है, ये अपना होजी ऑडियो का एम्पलीफायर बोर्ड है, TB21 जेट के TB21। ये इनक्लोजर के साथ आता है, ये विदाउट इनक्लोजर आता है। ठीक है, और सब कुछ मेंशन है प्रॉपर तरीके से। ये इनके आउटपुट टर्मिनल्स हैं, लेफ्ट राइट और ये सबवूफर है। सेम इसमें लेफ्ट राइट और ये सबवूफर, हर एक चीज़ PCB पे मेंशन है इसके। ठीक है, और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ये एक्सपेंसिव है, और ये थोड़ा कम प्राइस का है। ठीक है, इस पावर सप्लाई के लिए भी यहाँ पे सेम फीचर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पोर्ट भी मिलेगा और इस तरीके का एक कनेक्टर भी मिलेगा, पर इसमें आपको टर्मिनल्स मिलेंगे पावर सप्लाई इनपुट के लिए और पोर्ट भी मिलेगा। दोनों में आप DC 12 वोल्ट से 24 वोल्ट की पावर सप्लाई दे सकते हो, दोनों पे मेंशन है, आप देख सकते हो। ओके, दोनों के फीचर एकदम सेम है, दोनों में एकदम जेन्युइन TP3116D2 IC लगी हुई है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं, मैंने ओपन करके दिखाई है इसकी हीट सिंक। तो इसकी टेस्टिंग मैंने लास्ट वीडियो में कर दी थी, अभी मैं TB21 की करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि इस वीडियो में अगर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाती है तो ऐसी वीडियो आती रहेगी अपने चैनल पे, जो कि इन्फॉर्मेटिव होगी। सो गाइस, बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। और कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कर देना एंड में, क्योंकि सिस्टम बहुत तगड़ा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी है इस वीडियो में। तो आइए गाइस, टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और धमाका होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स गो। सो गाइस, कनेक्शन वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। देख सकते हो गाइस, एम्पलीफायर पे जैसा कि हर एक चीज़ मेंशन है। ये सबवूफर है हमारा, ये राइट चैनल है, ये लेफ्ट चैनल है। इसको नीचे डाउन करना है और प्लस का वायर हमें इन कर देना है इस तरीके से, और ये कनेक्शन हो गए हैं। बहुत ही ईजिली कनेक्शन हो जाता है गाइस, टर्मिनल्स का बहुत अच्छा फ़ायदा है ये। ओके, गाइस, तो कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, आपको प्रॉपर दिखा भी दिया है किस तरीके से मैंने कनेक्शन किए हैं। सो गाइस, ये पावर सप्लाई है, अभी लैमिनेट हो रखी है, पर यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो गाइस, ये पावर सप्लाई जितनी नॉर्मल लग रही है उतनी नॉर्मल नहीं है ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट 8 एम्पियर की पावर सप्लाई है, आप देख सकते हो। ठीक है, 24 वोल्ट 8 एम्पियर। और हमारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड को भी इतनी पावर की ज़रूरत है, 10 एम्पियर भी ले सकते हो, पर मेरे लिए यही सफिशेंट है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाना पसंद करूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है। तो 8 एम्पियर सफिशेंट है मेरे अकॉर्डिंगली, इसीलिए मैं यहाँ पे 8 एम्पियर की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस, ये अपनी पिन है। ठीक है, प्राइस ऑनलाइन से कम होंगे, यही चीज़ आपको ऑनलाइन 2500 से 2000 के अंडर में मिलेगी, पर हमारे पास थोड़े कम रेट में आपको ये मिल जाएगी। तो आप जाके देख सकते हो, कैटलॉग का लिंक आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो लास्ट में मैं इसकी भी टेस्टिंग करा के दिखा दूंगा इस सिस्टम के साथ। इस सिस्टम का आइडिया मैंने DJ से लिया है, जो DJ के कैबिनेट्स होते हैं, जो DJ सिस्टम होते हैं, उनसे कह सकते हो उनकी डिज़ाइन की तरह मैंने इसको बनाया है लुक वाइज, पर अंदर से थोड़ा डिज़ाइन अपने हिसाब से मैंने बनवाया है। ठीक है, सो गाइस, पावर इनपुट करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। ओके, अब ये पेयर भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये पेयर भी हो चुका है। मैं दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी एम्पलीफायर को कनेक्ट कर रखा है अपने फ़ोन के साथ। ये इसका ब्लूटूथ है, BT हुजी एक्टिव हो चुका है हमारा ब्लूटूथ 5.1। सो के सबसे पहले हम एज ऑफ शिवा बजा रहे हैं। गाइस अभी मैंने साउंड फुल नहीं किया है और फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, आप सुन सकते हो। अभी मैं एक ओल्ड सॉन्ग बजाने वाला हूँ, मेरा दिल भी कितना पागल है, अभी आप साउंड सुनना। अभी जो इसका ट्विटर है उसका साउंड सुनना और स्पीकर सबवूफर सबकी फ्रीक्वेंसी ध्यान से सुनना, हेडफोन गानों में लगा लेना, ठीक है। साउंड प्ले करता हूँ। तो गाइस बताइए कैसा था, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दो। तो गाइस ये जो क्वालिटी अभी मैं सुन रहा हूँ ये विंटेज सिस्टम में, पायनियर सोनी के सिस्टम में सुनने को मिलती है मुझे, जो कि मुझे मेरे होममेड स्पीकर में सुनाई दे रही है, जो कि मैंने खुद बनाया। और गाइस मैं झूठा रिव्यू कभी नहीं देता हूँ, एक्चुअल में जो साउंड निकल के आ रहा है वो नॉर्मल स्पीकर की तरह नहीं आ रहा है जो आपने मार्केट में देखे होंगे, उनसे हट के साउंड आ रहा है, क्योंकि हमारे सबवूफर और स्पीकर और ट्विटर की परफॉर्मेंस अलग ही है और हमारा एम्पलीफायर भी इम्पोर्टेड है। सो गाइस जनरली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ अपने ही सिस्टम से, आपका नहीं पता। आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसा सिस्टम लगा आपको ये, ठीक है। एक बेस वाला साउंड सुनाने वाला हूँ, साउंड एकदम फुल है एम्पलीफायर से और फोन से। देख रहे हो गाइस साउंड, ओके। तो गाइस मैं 1 मीटर दूर बैठा हूँ, मेरे मुंह पे भी हवा मार रहा है ये जो बेस है अपना, इतनी पावरफुल बेस ये क्रिएट कर रहा है। तो सोचिए क्या ही पावर होगी यार इसकी, मतलब फील है गाइस सही में, जो अपने स्पीकर और सबवूफर है बहुत पावरफुल है। आपको एक और बार बेस साउंड चेक करा के दिखाया था, ये देखिए, देख रहे हो गाइस, थ्रो देखो, थ्रो देखो, ये देख रहे, पावर नहीं है तो और क्या है। ये क्वालिटी है हमारे आईमा के स्पीकर और JBL के सबवूफर की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस ऐसी वीडियोस के लिए। तो गाइस अभी मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है अपने स्पीकर्स को, अभी आप साउंड सुनना। अभी ओनली ट्रेवल आपको मैं सुनाऊंगा इस सिस्टम का, बेस एकदम कम कर दूंगा, बेस एकदम कम कर दिया, ट्रेवल। ये ट्विटर से इसके जो फ्रीक्वेंसी आप सुन रहे हो, जनकार सुन रहे हो, ये हमारी ट्विटर की हेल्प से आ रही है, इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी सैटेलाइट स्पीकर का बेस एंड ट्रेवल आपको सुनाऊंगा। बेस एकदम कम कर दिया, साउंड फुल है। आपको बस बेस सुनाऊंगा, ओनली बेस, ठीक है, ओनली सबवूफर। वोकल सुनाऊंगा विदाउट बेस। तू सूरज को चिराग मत दिखा, हिसाब कर चुका अपने अमाल का, बेहद गुनाहगार बेहद खताकार। अभी मैं एक और चीज आपको सुनाने वाला हूँ, बस ट्विटर का आप साउंड सुनना, ठीक है। मतलब ट्विटर से ही अभी सब कुछ आएगा, मैं स्पीकर का बेस कम कर दूंगा, बस अभी ओनली ट्विटर्स वर्क करेंगे अपने, एक दो, ये दोनों ट्विटर्स अभी सुनना। तू रोशनी मत डाल मेरी साथ पे, तू सूरज को चिराग मत दिखा, हिसाब कर चुका। ये ओनली ट्विटर्स है, ठीक है, बेस बिल्कुल नहीं है। अभी देखना गाइस ट्विटर मतलब स्पीकर अभी थोड़े कम वर्क कर रहे हैं, मतलब वर्क ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बस ट्विटर के साथ बेस प्ले करूंगा, अभी सुन रहा हूं। मजा आया ना गाइस, ये बस ट्विटर की पावर है हमारे। विदाउट स्पीकर भी इतने अच्छे वर्क कर रहे हैं कि स्पीकर की कमी महसूस नहीं होगी। आजकल के जो टावर्स हैं उनमें ट्विटर ही ज़्यादा लगे हुए हैं मिड रेंज के नाम पे, और फुल रेंज स्पीकर आपको मिलेगा ही नहीं उनमें, ठीक है। पर इसमें हमने ट्विटर लगा रखे हैं, स्पीकर लगा रखे हैं, सबवूफर लगा रखे हैं सिस्टम में। अभी ऑल ओवर साउंड सुन लेते हैं वोकल के साथ। सूरज को चिराग मत दिखा, हिसाब कर चुका अपने अमाल का। अभी बीट भी प्ले कर लेते हैं, एक और साउंड प्ले कर ले रहे डाकू। बेस में सेमी पैटर्न मैंने यूज़ किया है, तो एक ही खोल के दिखाऊंगा, आपको खुद ही अंदाजा होगा कि किस तरीके से मैंने किया है। तो एक ही कॉलम हम खोलने वाले हैं अभी। सो गाइस, वीडियो में लाइक कमेंट नहीं रुकने चाहिए, सब्सक्राइबर भी नहीं रुकने चाहिए, जितने हो सके उतने नए नए आते रहे, क्योंकि कॉन्टेंट ऐसे आते रहेंगे अब। ओके, तो अभी मैं टीयर डाउन करने वाला हूँ, एक बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ, ताकि मैं डिजाइन अंदर से समझा सकूँ कि मैंने कैसे क्या बनाया है, अंदर से कैसे डिजाइन किया है। सो लेट्स गो। ये पूरा साउंड प्रूफ किया है मैंने। ये जो टेप है यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ, जो कि सील्ड करने के मैंने लगाया है, यही टेप है। इसके बारे में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ट्विटर वगैरह मैंने कैसे प्लेस किए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ बॉर्डर्स मैंने लगाए हुए हैं, ताकि ये जो पीछे का पैनल है अच्छे से इसमें फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये साउंड प्रूफिंग के लिए मैंने कुछ कॉटन यूज़ की है। आईमा के स्पीकर लगे हुए हैं दोनों साइड में, ठीक है। ये ट्विटर लगा हुआ है, एकदम तरीके से ट्विटर लगाया हुआ है, देख सकते हो। ये रहा अपना ट्विटर करना। बाय लिंक मैं आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी कुछ फेस टू फेस बातें करते हैं। सो लेट्स गो। दोनों स्पीकर और सबवूफर, ट्विटर, तीनों चीज़ों ने मिलकर एकदम दम लगा के बढ़िया क्वालिटी दी है हमारे साउंड को। और अगर आप भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें बाय करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया अपनी डिलीवरी है, घर बैठे बैठे एक पीस भी कुछ भी मंगा सकते हो आप। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, टर्मिनल्स वगैरह वायर जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं वही बहुत अच्छी क्वालिटी के वायर्स यूज़ किए हैं, जो कि कार के म्यूजिक सिस्टम में यूज़ होते हैं ये वायर। ये भी मैं अरेंज करा दूंगा अगर आपको पूरा सिस्टम चाहिए तो। बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको कॉर्नर में नंबर दिख रहा होगा, ऑडियो पॉइंट करके अपनी स्टोर का नाम है, ऑफिशियली अपनी वो स्टोर है ऑडियो पॉइंट। उसमें आपको सारे सिस्टम मिल जाएंगे जो जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। जाके बाय कर सकते हो, ऐड कार्ड कर सकते हो। आपको गूगल पे नंबर वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप ऑर्डर कन्फर्म कर सकते हो अपना ऐड कार्ड के थ्रू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी मैं एक टेस्टिंग करने वाला हूँ TP3116D2 से। TB21 के साथ तो आपने देख ली है, पर दोनों की पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम पावर के। तो अभी इसके कनेक्शन जल्दी से कर देते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं इसके साथ। और वीडियो को लाइक करना, टेस्टिंग खत्म होते ही ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी। सो लेट्स गो। जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहा है, एंड तक देख रहा है, कमेंट में हाय जरूर लिखना, सबके रिप्लाई करने वाला हूँ। सो लेट्स गो।